डॉम का मतलब होता है स्किन, गाइस डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डैम हमने पढ़ा था, ग्रीक वर्ड था मैस मास ऑफ इक्वल के लिए, डॉम हमने पढ़ रहे हैं, इसमें आर आ रहा है ठीक है, विच इज स्किन एंड ये भी ग्रीक वर्ड ही है। देन इज योर हाइपो, हाइपो इज फॉर अंडर, ओके बोथ आर ग्रीक वर्ड्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट का होता है डर्म आ गया आपका स्किन से, लॉजी आपका स्टडी ऑफ साइंस, सो डॉक्टर फॉर स्किन इज डर्माटोलॉजिस्ट। देन वी हैव हाइपोडर्मिक, हाइपो इज अंडर, डर्म इज योर स्किन, सो नीडल पेनिट्रेट्स अंडर द स्किन, पेनिट्रेट्स का मतलब हो गया आपका टू गो इन टू विद फोर्स, किसी चीज़ के अंदर की चीज़ को लाइक किसी चीज़ को घुसाना फोर्स के साथ ठीक है, सो नीडल पेनिट्रेट्स अंडर द स्किन। देन वी हैव एपिडर्मिस, डर्म आ रहा है स्किन से मतलब है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। देन वी हैव टैक्सीडर्मी, डर्म आ रहा है स्किन से मतलब है राउंड द स्किन ऑफ एनिमल, जो स्किन एनिमल की स्किन को उतारता है ना खींच के वो होता है टैक्सीडर्मी। देन वी हैव टैक्सीडर्मिस स्किन, डर्म आ रहा है सो ये स्किन से मतलब है हूज बिजनेस इज टैक्सीडर्मी, जो जिसका काम है करना जो स्किन खरीदता बेचता है एनिमल्स की वो होता है टैक्सीडर्मिस। देन वी हैव पैकीडर्म, डर्म आ रहा है स्किन से मतलब है एनिमल विद अनयूजुअली थिक स्किन, जिनकी बहुत थिक स्किन होती है ना जैसे कि एलिफेंट तो पटामस वो होते हैं पैकीडर्म एनिमल्स ओके। देन नेक्स्ट इज योर डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस इज अ स्किन इन्फेक्शन और इरिटेशन होना ठीक है, सिंपल वर्ड है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा बट इसको याद रखना, काफ़ी जगह यूज भी होता है, काफ़ी जगह आर्ट्स में भी आता है ठीक है। सो डर्म आ रहा है इसलिए इसमें स्किन का मतलब है एंड स्किन इन्फेक्शन और इरिटेशन ओके। देन नेक्स्ट इज ऑप्थमलॉस, ऑप्थमलॉस इट मीन्स आई विच इज अ ग्रीक वर्ड। देन वी हैव ऑप्सिस एंड ऑप्टिकॉर विच इज साइट और विच इज अगेन अ ग्रीक वर्ड। देन वी हैव मेट्रॉन, मेट्रॉन इज फॉर मेजरमेंट, आपने काफ़ी बार ये सुना भी होगा शायद, काफ़ी वर्ड में होगा मेट्रॉन, काफ़ी वर्ड में होता है विच इज अ ग्रीक वर्ड ओके। सो द वर्ड इज ऑप्थमलॉजिस्ट, ऑप्थमलॉजिस्ट ऑप्थमल आपको अभी समझाया मैंने आई, लॉजी स्टडी फॉर साइंस सो डॉक्टर फॉर आई। देन वी हैव ऑप्टो, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टो ये आपका आ गया यहाँ से साइट और विजन आई के लिए, मेट्रॉन आ गया ये आपका मेजरमेंट के लिए, सो द मेजर विजन एंड प्रिस्क्राइब ग्लासेस, जो आपकी जो विजन है उसको मेजर करे और आपको ग्लासेस दे, ये कुछ को डॉक्टर नहीं होते पहली बात, ये डॉक्टर नहीं है सिर्फ आपको देख रहा है कि आपकी आई साइट का नंबर क्या है और आपको ग्लासेस दे रहा है ठीक है। देन वी हैव ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन, ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन सेम होते हैं जो ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं ठीक है, वही काम होता है जो उनका काम है, वही आपको मेजर करेंगे आपकी विजन को और आपको ग्लासेस दे देंगे। देन वी हैव ऑप्टिशियंस, ऑप्टिशियंस वो होते हैं उनको आप जाके बताते हो कि ये मेरा नंबर है एंड मुझे ग्लासेस बना के देंगे, दैट्स इट, वो आपका मेजर नहीं करेंगे सिर्फ आपको ग्लासेस बना के देंगे जो आप नंबर उसको कहोगे। देन वी हैव ऑक्युलस, ऑक्युलस मीन्स आई एंड पहले ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज होता अब इतने यूज नहीं होते, ऑक्युलिस्ट डॉक्टर फॉर आई, डॉक्टर जो पहले आंखों के डॉक्टर होते थे उनको ऑक्युलिस्ट भी कहा जाता था ठीक है, एंड उनके पास कुछ अगर आप ऑक्युलिस्ट मशीन भी होती है एक काइंड ऑफ, अगर आप देखते हो वाइट कलर की जो बड़ी सी मशीन होती है जिससे डॉक्टर यूज़ करता है वो वाले ठीक है। मोनोक्युलर, मोनो हमने पीछे ही पढ़ा है वर्ड प्रीवियस वीडियो में विच मीन्स वन, सो अ लेंस फॉर वन आई, बाइनो बाई हमने पीछे पढ़ा था रूट विच इज मीन्स टू, सो बाइनोक्युलर हो गया आपका, ग्लासेस विच इंक्रीज द रेंज ऑफ टू आईज, अगर आप हाइकिंग करने जाते हो तो आपने देखो कि बहुत लोग बाइनोक्युलर लेके आते हैं ताकि दूर तक का देख सकें ईजीली। द नेक्स्ट इज योर ऑर्थोस विच मीन्स स्ट्रेट और करेक्ट ठीक है, इससे जो वर्ड है वो है ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स में आपका जो है ऑर्थो आ गया और पेडिस्ट आ गया, सो जो मेडिसिन और कंसर्न विद द करेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटीज डिसऑर्डर्स और इंजरीज ऑफ दिस स्केलेटन, जो आपकी हड्डियों में काइंड ऑफ खराबी आ जाती है या उनको सीधा करना या हड्डी टूट जाती है सो वो कौन करता है, ऑर्थोपेडिस्ट करता है, उस डॉक्टर को ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता है। इन गाइस जितने भी डॉक्टर्स के नेम हैं इनको ज़रूर से याद रखना, इन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आरसीज के अंदर सबसे ज़्यादा यही वर्ड यूज होते हैं, वहाँ पे सिंपल आपको ये नहीं लिखा होता कि वो डॉक्टर के पास है, ऐसे लिखा होता है ठीक है। देन वी हैव ऑर्थोडोंटिक्स,